Welcome to my channel Mission NCRT. Please subscribe, like and share my channel. Today we will discuss chapter 1, what is long, what is round, from Math Magic book, class 2. Chapter 1, what is long, what is round. Long means lambi, round means goal. क्या है लंबा, क्या है गोल? तो जो बैट है वो लंबा है और जो बॉल है वो गोल है. तो बैट कैसा होता है? लंबा होता है, बॉल गोल होती है. गैस इट्स नेम, नाम बताओ. चिल्ड्रन लव अंकल मीकू, ही प्लेज विद देम एवरी डे. बच्चे अपने मीकू चाचा को बहुत प्यार करते हैं, वे रोज उनके साथ खेलते हैं. टुडे ही हैज कैप्ट डिफरेंट थिंग्स इन हिज बैग. आज उन्होंने अपने थैले में तरह तरह की चीजें रखी हैं. किसने रखी हुई हैं? मीकू चाचा ने रखी हुई हैं. द गेम इज गेट सिट्स नेम, और गेम कौन सा है? नाम बताओ. ठीक है, गेम का नाम क्या है? नाम बताओ. मीकू चाचा सेज, गैस व्हाट आई हैव इन माय हैंड, आई विल टेल यू व्हाट इट फील्स लाइक. मीकू चाचा कहते हैं, तुम्हें सोचकर बताना है कि मेरे हाथ में क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा वही चीज छूने में कैसी लगती है. अंकल मीकू पुट हिज हैंड इन द बैग. मीकू चाचा फिर अपना हाथ थैली में डालते हैं. टीम ए सिंग्स ए सॉन्ग, टीम ए अब गाना गाती है. फाइंड आउट विद योर आईज शट वेल, टच इट विद योर हैंड्स एंड टेल अस हाउ इट फील्स. We guess its name and win the game. अपनी आंखों को बंद करो और इसे अपने हाथों से छूकर बताओ कि ये छूने में कैसी महसूस होती है, और हम अनुमान लगाएंगे कि ये कैसी है, और हमारा अनुमान सही निकला तो हम जीत जाएंगे. मीकू says, pointed at one end, flat at the other, but round like a pipe. Guess what it is? अब अंकल मीकू कहते हैं, एक किनारे पर नोकदार है जबकि दूसरे किनारे पर चपटी हुई है, लेकिन बीच में से एक पाइप की तरह गोल गोल है. पता लगाओ कि वो चीज क्या हो सकती है. टीम ए सेज पेंसिल, तो टीम ए कहती है पेंसिल, क्योंकि पेंसिल जो होती है वो आगे से नोकदार होती है, और बीच में कैसी होती है? पाइप की तरह गोल गोल होती है, और पीछे से कैसी होती है? चपटी होती है. ठीक है. Do you also think so? क्या तुम भी ऐसे ही सोचते हो? Yes, हम भी ऐसे ही सोचते हैं. Now you think of a different answer for Uncle Miku's question. क्यों ना तुम मीकू चाचा के सवाल का कोई अलग जवाब सोचो. तो क्या पेंसिल सेम होती है ना? ऐसी पेन होता है, पेन भी अपन बोल सकते हैं इसमें, क्रेयॉन भी बोल सकते हैं इसमें, है ना, और स्क्रू भी बोल सकते हैं, क्योंकि पेन पेन के आगे की नोक कैसी होती है? नोकदार होती है, बीच में वो पाइप की तरह रोल होता है, और पीछे से वो चपटा होता है. तो ये पेन भी हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. या दूसरा क्या? स्क्रू. स्क्रू मतलब पेच. क्या ऐसा होता है? आगे की तरह नोकदार होता है, बीच में गोल होता है, और पीछे चपटा होता है. ऐसी क्रेयॉन है मोम का कलर, तो उसको आगे से वो नुकीला होता है, और बीच में क्या होता है? गोल होता है पाइप की तरह, और पीछे चपटा होता है. तो हम इसमें कई सारे लिख सकते हैं. Now it is the turn of team A to touch and guess everybody sings. अब टीम ए की बारी थी टच करके, यानी कि छूकर पता लगाने की, और सभी गाते हैं. Tell us how it feels. We guess its name and win the game. बताओ कैसी महसूस होती है, हम अंदाजा लगाएंगे इसके नाम का और हम गेम जीत जाएंगे. टीम ए ये गाना गाती है. A child from team A puts his hand in the bag. Team A का एक बच्चा बैग में हाथ डालता है. Others in team A have to guess. और टीम A के बाकी के जो दूसरे बच्चे जो बचते हैं वो गैस करते हैं कि ये कौन सी चीज़ है. Can you help them? क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? Round all around has no corners. I can roll it in my hand. Guess what it is? गोल ही गोल है चारों ओर से, एक भी कोने नहीं है उसमें, और हाथ में लेकर इसको चाहे तो घुमा लो या लुढ़का लो,
पता लगाओ क्या हो सकता है। तो वो चीज़ क्या हो सकती है, बॉल भी हो सकती है। ठीक है, बॉल को हम हाथ में लेके घुमा भी सकते हैं, है ना, लुढ़का भी सकते हैं। लेमन भी हो सकता है, लेमन को हम हाथ में लेके घुमा भी सकते हैं और लुढ़का भी सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, रोल में होती हैं। तो इसमें यही बताया है। देन इज द टर्न ऑफ टीम बी टू फील एंड गेस एंड सो द गेम गोज ऑन। अब टीम बी की बारी है, महसूस करके पता लगाना है कि ये मतलब क्या चीज है, और इसी तरीके से गेम आगे बढ़ता जाता है। नाउ यू प्ले दिस गेम इन टीम्स, अब आप भी ये गेम टीम में खेलिए। पुट डिफरेंट थिंग्स इन ए बैग, अलग अलग प्रकार की चीजों को अपने बैग के अंदर डालिए। ए क्लोथ इज टाइड ऑन वन चाइल्ड आई, और एक किसी बच्चे के आंखों पर क्या लगाइए, क्या बांधिए, कपड़ा बांधिए। सी पुट्स हर हैंड इन द बैग, वह अपना हाथ बैग के अंदर डालेगी। शी टचेस इट एंड सीज व्हाट इट फील्स लाइक, वह छूकर बताएगी कि ये महसूस कैसा, मतलब महसूस करके वो बताएगी कि वो चीज क्या है। हर टीम हैज टू गेस द नेम, और उसकी टीम को उस चीज के बारे में सोचना होगा। हाउ स्ट्रॉन्ग इज ए पोस्ट कार्ड, यह बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है पोस्ट कार्ड को लेकर। होल्ड ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम वन कॉर्नर, इफ यू कीप ए बुक ऑन इट कैन इट होल्ड अ बुक। आप एक पोस्ट कार्ड लेकर उसे एक कॉर्नर से पकड़ लीजिए, अगर आप इसके दूसरे किनारे पर एक बुक रखें तो क्या ये पोस्ट कार्ड उस बुक का वेट उठा पाएगा। नाउ ट्राई दिस, क्या ये वेट उठा पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करके देखते हैं। रोल ए पोस्ट कार्ड टू मेक ए पाइप, अब इस पोस्ट कार्ड को पाइप की तरह रोल बनाइए। रोल ए पोस्ट कार्ड टू मेक ए पाइप, अब इस पोस्ट कार्ड को पाइप की तरह रोल में बना लेंगे। यूज टेप टू स्टिक द एंड्स टुगेदर, दोनों किनारों को जोड़ने के लिए टेप का इस्तेमाल करेंगे। पुट ए बुक ऑन इट, डज द पोस्ट कार्ड होल्ड इट, सी हाउ मेनी बुक्स इट कैन होल्ड। इसके ऊपर पहले एक बुक रख कर देखेंगे क्या पोस्ट कार्ड इस बुक का वजन उठा सकता है, कितनी बुक्स का वजन उठा पाएगा पोस्ट कार्ड। पहले हम एक बुक रख के देखेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे। ठीक है, हरी अप बी क्विक, जल्दी करो, हरी अप। चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए सर्कल इन द क्लास, बच्चे जो हैं वो क्लास में एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। दे आर प्लेइंग दिस गेम क्लैपिंग एंड सिंगिंग, वे इस गेम को तालियों और गाना गाकर खेलते हैं, मतलब ताली बजाते हैं और गाना गाकर खेलते हैं। वॉट इज लॉन्ग, वॉट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। रीना सेज, रीना कहती है, ए बैट इज लॉन्ग, ए बॉल इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। एक बैट लंबा है और एक बॉल गोल है, रीना बोलती है, कहती है। ऑल चिल्ड्रन आर सिंगिंग, सभी बच्चे गाते हैं। वॉट इज लॉन्ग, वॉट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। क्या लंबा है, क्या गोल है, देखो चारों तरफ, देखो चारों तरफ। मीनू सेज, मीनू कहती है, ए बॉटल इज लॉन्ग, ए कैप इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। एक बॉटल लंबी है और उसका जो कैप है वो गोल है। एंड द गेम गोज ऑन, और इसी तरह से गेम जो है वो आगे चलता रहता है। नाउ यू प्ले दिस गेम इन योर क्लास, टेक टर्न्स टू नेम टू थिंग्स, वन लॉन्ग एंड वन राउंड, डू नॉट रिपीट थिंग्स विच अदर्स हैव नेम। अब आप ये गेम अपनी क्लास में खेल सकते हैं। तो इसी मतलब इसी तरीके से दोनों चीज़ों की बारी आएगी, एक लंबी चीज़ की तो एक गोल चीज़ की, और इन चीज़ों को रिपीट ना करें जो बच्चे उसका नाम ले चुके हैं। ठीक है, नाउ वाट रोल्स, वाट स्लाइड्स, लुक एट द पिक्चर, सम चिल्ड्रन आर रोलिंग एंड सम आर स्लाइडिंग थिंग्स इन ए पार्क। अब दिए गए चित्रों को देखिए,
कुछ बच्चे पार्क में रोलिंग कर रहे हैं और जबकि कुछ बच्चे पार्क में स्लाइडिंग कर रहे हैं। रोल मीन्स रोलिंग मतलब घूमना एंड स्लाइडिंग माने स्लाइड करना। देयर आर सम थिंग्स विच कैन रोल एंड सम विच कैन स्लाइड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रोल किया जा सकता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको स्लाइड किया जा सकता है। देयर आर थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड। जबकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको दोनों भी किया जा सकता है, रोलिंग भी और स्लाइडिंग भी। अब जैसे ये बच्चे हैं झूले में झूल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है बच्चा, स्लाइडिंग कर रहा है ना। और ये बच्चा ये बॉल से खेल रहा है तो ये क्या कर रहा है, बॉल रोल करती है तो रोलिंग है ये, है ना। तो इसमें ये सब बताया है, ठीक है। अब जैसे ये कैरम की गोटियाँ हैं तो कैरम की गोटियाँ मतलब स्लाइडिंग भी कर सकती हैं, है ना, और रोलिंग भी कर सकती हैं। तो इसमें यही बताया है। थिंग्स अराउंड यू, अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखो, राइट ब्लू और उनको नीचे लिखो। थिंग्स विच रोल, जो चीज़ें रोल हो सकती हैं। थिंग्स विच स्लाइड, जो चीज़ें खिसकाई जा सकती हैं। थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड, जो चीज़ें खिसकाई भी जा सकती हैं और रोल भी की जा सकती हैं। तो जो थिंग्स विच रोल कौन कौन सी हैं, टोमेटो है, टोमेटो को रोल किया जा सकता है ना, बॉल को भी रोल किया जा सकता है ना, एंड लेमन को भी रोल किया जा सकता है। और स्लाइड वाली कौन सी होती हैं, जैसे कॉपी है, कॉपी को स्लाइड कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, बॉक्स को भी खिसका सकते हैं, है ना, कॉम को भी खिसका सकते हैं, हाइलाइटर है ना, स्केल, शार्पनर, तो ये सब क्या होती हैं, स्लाइडिंग वाली थिंग्स होती हैं। अब बोथ रोल एंड स्लाइड वाली थिंग्स कौन कौन सी होती हैं, जिनको खिसकाया भी जा सकता है और रोल भी किया जा सकता है। तो वो कौन कौन सी होती है, बैंगल, बैंगल को हम खिसका भी सकते हैं, है ना, और रोल भी कर सकते हैं। पेन है, पेन को हम रोल भी कर सकते हैं और खिसका भी सकते हैं, है ना। कॉइन, कॉइन को हम खिसका भी सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं, है ना। और बॉटल, बॉटल को हम खिसका भी सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट है माई टाइनी ट्री, मतलब मेरा छोटा सा पेड़। टेक ए शीट ऑफ पेपर लाइक दिस, पिक्चर में जैसे पिक्चर में दिख रही है शीट, उसी के अनुसार एक पेपर लेना है। रोल द पेपर टू मेक ए पाइप, पाइप की फॉर्म में बनाने के लिए पेपर को फोल्ड करना है। योर पाइप, योर पेपर पाइप विल लुक लाइक दिस नाउ। यूज ग्लू और टेप टू स्टिक इट, अब आपका पेपर पेपर पाइप की तरह दिखाई देगा और आप ग्लू और टेप से उसको चिपका सकते हैं। यूजिंग सीजर्स कट स्ट्रिप्स एट वन एंड ऑफ द पेपर पाइप मेकिंग 7 or 8 कट्स, तो कैंची का यूज करके एक किनारे से जो आप इसमें 7 or 8 कट्स लगा सकते हैं। टर्न डाउन द कट एंड्स, योर ट्री इज रेडी, कटे हुए भाग को नीचे की तरफ करेंगे तो आपका जो ट्री है वो रेडी हो जाएगा। कलर इट, और इसको आप कलर करेंगे। टॉलेस्ट टावर, मेरी मीनार सबसे ऊंची, टॉलेस्ट मीन्स ऊंची। फर्स्ट लेट अस मेक ए टावर विद बॉक्सेस, अब पहला बोलता है क्यों ना सबसे पहले हम डिब्बियों से मीनार बनाए, बॉक्सेस मीन्स डिब्बियाँ। दूसरा बोलता है लेट अस सी हु कैन मेक द टॉलेस्ट टावर, देखते हैं कौन सबसे ऊंची मीनार बनाता है। तीसरी बोलती है थर्ड आई विल मेक टू टॉलेस्ट वन, मैं सबसे ऊंची मीनार बनाऊंगी। कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स सच एज बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बॉल्स, इरेजर्स, मैच बॉक्सेस एक्सेट्रा, अलग अलग तरह की चीज़ें इकट्ठी कीजिए, जैसे कि बॉल्स हैं, इरेजर्स हैं, मैथ बॉक्सेस हैं आदि हैं, और उनसे क्या करो टावर बनाओ। मेक योर टावर्स यूजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक ओनली मैच बॉक्सेस, ओनली टीन्स, तो आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी टावर बनाइए, जैसे मैच बॉक्सेस का यूज़ करके, टीन्स का यूज़ करके। नाउ मिक्स एंड मेक विद डिफरेंट थिंग्स लाइक शू बॉक्सेस एंड टीन्स टुगेदर, बॉल्स एंड मैच बॉक्सेस टुगेदर, अब इनको मिलाकर आपस में टावर बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे शू बॉक्सेस और टीन बॉक्स को मिलाकर, बॉल और मैच बॉक्स को मिलाकर क्या करना है,
टावर बनाना है, ठीक है, तो आप इसकी कोशिश घर पे कीजिए। कॉइन प्ले, सिक्कों का खेल, ट्राई डूइंग दिस विद योर कॉइन, इन्हें अपने सिक्के से करने की कोशिश करो। होल्ड द कॉइन लाइक दिस, सिक्के को इस तरह से पकड़ो, जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, इस तरीके से अपन को क्या करना है, सिक्के को पकड़ना है। मेक द कॉइन स्पिन, डज इट लुक लाइक ए बॉल, सिक्के को घुमाओ, क्या ये गेंद की तरह दिखता है, यस इट विल लुक लाइक ए बॉल, हाँ ये गेंद की तरह दिखता है, ठीक है। जब हम सिक्के को घुमाते हैं, एक बुक लेंगे और उस पर सिक्के को घुमाओ, तो वो कैसा दिखेगा, गेंद की तरह दिखेगा, है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, यस इट विल लुक लाइक ए बॉल। डज ए कॉइन रोल, डज इट स्लाइड, ट्राई, क्या सिक्का लुढ़कता है, क्या ये खिसकाया जा सकता है, करके देखो, तो क्या लिखेंगे इसमें, यस ए कॉइन रोल एंड स्लाइड, हम एक सिक्के को घुमा भी सकते हैं और खिसका भी सकते हैं। एक बुक लो, अब बुक पर सिक्के को रख दो उसको और उसको स्लाइड करो, तो वो स्लाइड भी कर सकता है, और सिक्के को खड़ा करके उसको रोल करो तो उसको हम रोल भी कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, यस ए कॉइन रोल एंड स्लाइड। नाउ कैन यू मेक ए 1 रुपी कॉइन स्टैंड लाइक दिस, क्या तुम 1 रुपए के सिक्के को इस तरह से खड़ा कर सकते हो, मैंने तो करके देखा था तब तो हो गया था, यस आई कैन मेक ए 1 रुपी कॉइन स्टैंड। ट्राई डूइंग दिस सेम यूजिंग ए 2 रुपी कॉइन एंड ए 5 रुपी कॉइन, अब इसे 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों के साथ करने की कोशिश करो, तो ये आप खुद से कोशिश करना घर पर, ठीक है, इसमें यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।